नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जम्मू से चंद्रदेव बर्नवाल। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि गुदड़ी में लाल छिपा होता है, वैसे ही हमारे सोनो प्रखंड की धरती पर एक बाबा है, बहुत विख्यात सुप्रसिद्ध तंत्र विद्या से परिपूर्ण है। इन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं का भविष्यवाणियां किए हैं, जिनकी भविष्यवाणियां सफल हुई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं, इन किनके किनके किस किन लोगों का भविष्यवाणी किए हैं और क्या सफलता मिली है उन्हें, इनके विषय में जानते हैं। बाबा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा जी, उर्फ पद्मनी कुमार मिश्रा है जी। आपका ये पर्सनल मकान कहाँ पड़ता है? सोनो बाजार जी। सोनो बाजार जी। तो बाबा, ऐसा सुनने को मिला है कि आपने बहुत लोगों का भविष्यवाणियां किए हैं, जिनके सफलता मिली है। आप सब बाबा एक दो ऐसे लोगों का नाम बताएं जिनको आप सफलता मिली है जी। ये 2015 में हमने उनका 2010 में ही भविष्यवाणी किया था। राजकिशोर सिंह है जी। कहाँ से हैं वो? ये वैशाली से हैं जी। और एक बंटी चौधरी भी हमारे आए हैं, उनका भी भविष्यवाणी। राजकिशोर सिंह का क्या भविष्यवाणी किए थे आप? हमने कहा था 2015 में आप विधायक बनेंगे। उन्होंने तो पहले ही हमको बुलाया और बोला कि सर, आप जो है हमारा भविष्यवाणी देखिए। हम कहे सर, इस बार आप विधायक नहीं बन पाएंगे। उस समय वो लालू जी के साथ थे जी। जी ठीक। और फिर कहीं नहीं सर, इस साल जो नहीं है आपका, उस साल तो वो हो नहीं पाए। अगले बार फिर उन्होंने बुलाया कि बाबा अब क्या होगा, तो हम कह जाइए नीतीश बाबू के साथ सर जाइए। जब वो नीतीश बाबू के साथ सर गए, कह जाइए 2015 में विधायक बन जाएंगे जी। और उन्होंने बन गए। धन्यवाद। और इसके बाद फिर किनके भविष्यवाणी किए थे आप? उसी समय हमारे से बंटी चौधरी भी मिले थे, 2008 में ही 10 में ही मिले थे। कहाँ के हैं वो? वो सिकंदरा के विधायक हैं जी। उन्होंने भी मिला तो पहले तो कहा कि बाबा हमको कुछ बताएं। हमने उनको बताया कि पेट्रोल पंप 3 महीने के अंदर खुल जाएगा जी। वो खुल गया। उसके बाद बोला कि क्या होगा सर, हमको आगे 2015 का भविष्यवाणी देखिए, 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे का आपका घूमेगा, आप विधायक बनेंगे। और उन्होंने भी 2015 में विधायक बन गए। और ये जो प्रिंस बाबू थे वो भी आए थे हमारे यहाँ। कौन प्रिंस बाबू? प्रिंस पासवान। कहाँ के हैं वो? वो समस्तीपुर से थे सांसद जी। और वो विनोद डालमिया झाझा वाले हमारे भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा आए थे। उनका भी भविष्यवाणी किया, वो भी आज सफलता के दौर पर है ठीक है। वो भगवान का देन है, जस अभिदस तो ईश्वर का देन है। हम तो एक मार्गदर्शक हैं, रास्ता बता देते हैं। बाबा, ऐसा भी सुनने को मिला था आप 2015 में विधायक का चुनाव भी लड़े थे चकाई से जी। एक सर भारत से हमको टिकट। हाँ बाबा, और बताइए, ऐसा सुनने में मिला था डुमरी में, डुमरी के एक हैं शशिभूषण सिंह, उनको भी शायद आपने कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की भविष्यवाणियाँ किया था, क्या ये सही है? जी, उस समय अभिनव सिंह भी खड़े थे और ये भी खड़े थे टिकट लेने के लिए। अभिनव सिंह कहाँ के हैं वो? कहाँ के? अच्छा, अभिनव बाबू खड़े थे और उसी समय उन्होंने प्रभात बाबू उनको बुलाया। 3 दिन मात्र टिकट लेने में बचा हुआ था ठीक। उन्होंने कहा कि बाबा 3 दिन में आपका परीक्षा है, बताइए किनको टिकट मिलेगा जी। तो प्रभात बाबू पहले हाथ दिखाए, उनको कहा आपको नहीं मिलेगा। विभास बाबू दिखाए कि आपको भी नहीं मिलेगा। लाला बाबू बैठे हुए थे, उनके लाला बाबू आप आइए दिखाइए हाथ, उनका हाथ देखा, उनके हाथ में देखा टिकट का लिखा था। जितने की भविष्यवाणी में दिया था लेकिन टिकट मिल गया। टिकट मिल गया। और कुछ आपके ऐसा क्या बोलना चाहिए? और लोग तो बहुत भरते हैं हमारे यहाँ से, दिल्ली से बम्बई तक हैं, सिंगापुर से मलेशिया तक हैं, कितने का भक्त हैं। बहुत सारे भक्त हैं जी। चलिए ठीक।